प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, उसके कौन कौन से घटक होते हैं के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पारिस्थितिकी होता क्या है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों एवं भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। अर्थात किसी एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले जीवों के आपसी संबंध क्या हैं या और भौतिक पर्यावरण से उन जीवों के क्या संबंध हैं, उनका अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। पौधे, जंतु एवं अन्य जीव तथा भौतिक पर्यावरण एक साथ मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पौधे और जो भौतिक पर्यावरण होता है, जलवायु, तापमान, वर्षा, मिट्टी, भूमि आदि, वो सभी मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र उस भौगोलिक पारिस्थितिकी को कहते हैं जिसमें जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों एक दूसरे से अंतर्क्रिया करते हैं या परस्पर संबंधों से एक नवीन पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ओपी ओडम का मानना है कि जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर आकर्षण के फलस्वरूप छह प्रकार के तंत्रों का निर्माण होता है, जिनमें पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक संवेदनशील हैं। किसी क्षेत्र में रहने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं क्योंकि उनमें आपस में तथा भौतिक पर्यावरण के साथ पदार्थ एवं ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। यानी ओडम का ये मानना था कि कोई भी जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसमें निवास करने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अर्थात कुछ जीव पौधों को प्रभावित करते हैं या पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, यानी उनमें आपस में एक दूसरे को प्रभावित करने या अंतर्क्रिया करने की क्षमता होती है। साथ ही वे अपने जो भौतिक पर्यावरण होता है उनसे पदार्थ व ऊर्जा का आदान प्रदान भी करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। इसी तरह से हम देखें कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना जो होती है वो काफ़ी विस्तृत और लचीली होती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें, एक खेत, झील, वन एवं संपूर्ण विश्व को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में रखा जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक जो समुदाय या जो पदार्थ होते हैं उनमें ऊर्जा अंतर आकर्षित होकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा का जो एक स्रोत होता है या जो जैविक जो समुदाय होता है, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि होते हैं, वो सभी मतलब ऊर्जा से एक दूसरे की ओर अंतर आकर्षित करके एक जीव मंडल का निर्माण करते हैं। इसी तरह से संपूर्ण जीव मंडल होता है वह एक वर्ग पारिस्थितिकी तंत्र या जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है। तो जीव मंडल होता है जिसमें स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, इन तीनों का जो संक्रमण जो होता है वो जीव मंडल होता है। जीव मंडल मतलब जीवों के रहने योग्य स्थान होता है। उस जीव मंडल को एक जटिल या एक विश्व का सबसे बड़ा वर्ग पारिस्थितिकी तंत्र कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र की क्या संकल्पना होती है, क्या परिभाषा होती है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता के बारे में पढ़ा। इस तरह से हम देखें तो संपूर्ण विश्व को दो पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है,
एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है और उसके कितने प्रकार हैं आदि के बारे में हमने पढ़ा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और सुने। धन्यवाद।